हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित सिंह। यू आर वॉचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशन। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए आपसे जीके का टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट, 10 क्वेश्चन, कम से कम 6 क्वेश्चन करेक्ट करना है। ठीक है, तो जीके का या ऑल इंडिया टेस्ट, आइए करते हैं इस टेस्ट को और आप लोग लास्ट बताएंगे आपका कितना करेक्ट हुआ है। गैल्वनाइज्ड लोहा क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। गैल्वनाइजेशंस वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत से लेप किया जाता है, समझे। इट मीन्स जिंक का लेपित लोहा। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन बी, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि लोहे को जंग से बचाना होता है, उसलिए उस पर हम लोग जस्ते की परत करते हैं, लेप करते हैं। रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है, भाई रक्तहीन सर्जरी के मतलब सोचते हो, लेजर का यूज कीजिए, रक्तहीन सर्जरी कंप्लीट। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु तो निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हेल्प करने के लिए बाहर जो संगठन बनाई गई थी उसमें है इंडिया हाउस, गदर पार्टी एंड बर्लिन समिति। समझ में आया, इंडिया हाउस। अच्छा, इंडिया हाउस इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, इसको 1905 में किया गया था। ठीक है, इंडिया हाउस को 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था लंदन में। ठीक है, इंडिया हाउस का इस्टेब्लिश किया गया था लंदन में। गदर पार्टी का इस्टेब्लिश किया गया था यूएसए में, कहाँ पर, यूएसए। ठीक है, गदर पार्टी को यूएसए में इस्टेब्लिश किया गया था, कब किया गया था, 1913 में, 1930। और बर्लिन समिति को 1914 में, और इसको 1913 में। ठीक है, बर्लिन समिति इसका मतलब सोचते हो जर्मनी में, तो बर्लिन समिति जो इस्टेब्लिश किया गया था वो जर्मनी में इस्टेब्लिश किया गया था, गदर पार्टी यूएसए में और इंडिया हाउस लंदन। ठीक है, इंडिया हाउस को लंदन में, क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर हुई। तो भैया ऑप्शन बच क्या रहा है आपका, ऑप्शन बच रहा है आपका हिंदुस्तान गणतंत्र संस्था, बाकी तीनों आपका बाहर इस्टेब्लिश किया गया है। क्वेश्चन यही पूछा है कि बाहर नहीं किया गया है, तो हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था नहीं किया गया है, तो इसको किसने इस्टेब्लिश किया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था, कब हुआ था, 1925 में। यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन तैयार होते हैं और आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। अनुवांशिकी अभियंत्री, जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। ठीक है, आइए मूव करते हैं अंदर क्वेश्चन पे। आलू के जो चिप्स हम लोग पैकेट खाते हैं ना, जिसे लेज हो गया कंपनी, उसके खराब ना हो, उसमें जो तेल से उसको तला गया है वो खराब ना हो, इसके लिए लिफाफे में, तो वही पूछ रहा है आपसे कि कौन सा गैस भरा जाता है आलू के जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में पूछा भी गया कई बार। नाइट्रोजन, कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे, इन फ्यूचर में भी आपका ये क्वेश्चन बनेगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, सुंदरबंस विश्व के टाइटल हेलोफाइटिक जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है, तो कौन सा है भैया, वह है मैग्रोव। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड होता है, खासकर रेलवे में ज़्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था, मतलब ऐसा कौन सा विद्रोह था जो कि ब्रिटिश शासक के खिलाफ नहीं किया गया था। तो देखिए, फकीर एवं सन्यासी विद्रोह, ये ब्रिटिश के खिलाफ किया गया था।
इंडिको विद्रोह ये भी किया गया और संथाल विद्रोह ये भी किया गया। तो ये तीनों भैया अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था, ब्रिटिश शासकों के द्वारा किया गया था, जो उन लोगों ने प्रतिबंध लगाए थे उनके विरुद्ध किया गया था। भैया बचता क्या है आपका, आपका बचता नक्सलबाड़ी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? नक्सलबाड़ी विद्रोह। ये विद्रोह जो हुआ था ये ब्रिटिश शासकों के खिलाफ नहीं किया गया था। अच्छा, नक्सलबाड़ी विद्रोह जो था ये इसकी शुरुआत कब हुआ था? इसकी शुरुआत किया गया था माय डियर फ्रेंड्स, ये हुआ था 1967 में। 1967 में कहाँ पे किया गया था? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का एक जिला है जिसे बोलते हैं सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी जिले में पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी नामक स्थान से ये शुरू हुआ विद्रोह, इसीलिए इसको नक्सलबाड़ी विद्रोह बोलते हैं। ठीक है, अच्छा स्टार्ट क्यों हुआ? देखो, जो माओवादी विचारधारा से प्रभावित सशस्त्र आंदोलन था ये, जिसका उद्देश्य क्या था? किसानों तथा जनजातियों के हितों की रक्षा करना, किसानों और जनजातियों की हितों की रक्षा करना, उसके लिए ये नक्सलबाड़ी विद्रोह शुरू हुआ था। कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल जिला है सिलगुड़ी, और वहाँ पे एक स्थान है जिसको बोलते हैं नक्सल, नक्सलबाड़ी स्थान है, इसलिए इसका नक्सलबाड़ी विद्रोह पड़ा था। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं, भीम बेटका गुफा कहाँ पर स्थित है? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो भैया ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसको बोलते हैं रायसेन जिला। क्या है? रायसेन जिला। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। निजता का अधिकार, मूलभूत अधिकार, कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? देखो, इसको किससे, किस कंट्री से लिया गया है, पहले बात तो ये याद रखना चाहिए। मूलभूत जो है, मूल अधिकार जो है वो हम लोग ने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। और संविधान में ये आपका जब हम लोग भाग तीन पढ़ते हैं तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलता है मूल अधिकार, भाग 3 और आर्टिकल 12 से लेके और 35 के बीच में, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो भैया मूल अधिकार नहीं है, निजता का अधिकार। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सतीश धवन इसरो का यह प्रक्षेपण केंद्र है, प्रक्षेपण केंद्र, यहां से हम लोग रॉकेट लॉन्चिंग रेंज है। ठीक है, तो सतीश धवन केंद्र इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है और यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, सॉरी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, क्लियर है? तो 10 क्वेश्चंस नाउ फिनिश एंड आप लोग कमेंट करेंगे आपका कितना क्वेश्चन बना या कितना बना पाए आप लोग 10 में से। टारगेट 6 का था, देखते हैं कितने लोग अचीव कर पाते हो। ठीक है, और थैंक यू, चैनल पर पहली बार आए डेफिनेटली आप जुड़ सकते हैं, आपको बेनिफिट होगा इन फ्यूचर में भी, और लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, शेयर और कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।